से नाचके हम बरसी से चले हम बादल सा घर छे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में यूज़ किया था, तो वर्बल कम्युनिकेशंस बेसिकली क्या था, जिसमें हम दो तरीके से कम्युनिकेट कर पाते थे, एक ओरल कम्युनिकेशंस, दूसरा आपके पास राइटिंग कम्युनिकेशंस। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होती है, जिसमें हम कोई भी चीज़ ज़्यादा लिखते नहीं हैं, बोलते भी बहुत कम है, बट आप अपने जो बेसिकली एक्सप्रेशंस के थ्रू कोई भी चीज़ किसी को भी समझाते हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहलाती हैं। नाउ क्या होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इज द मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। जैसे आप बिना कुछ कहें किसी को भी कोई भी मैसेज डिलीवर करते हैं। जैसे कि अगले जो स्लाइड है उसमें फिगर 1.4 उसमें कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे हमें। वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशंस गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर्स। मतलब आप किसी भी बंदे के को आप कोई भी मैसेज डिलीवर करते हैं, तो डिलीवर करने के लिए आपके पास क्या यूज होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं अपने, गेस्चर्स होंगे और आपके बॉडी पोस्चर्स होंगे। इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट नॉन वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इस सेशन में जो हम चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो किसके बारे में है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग है। इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस, किसके क्या क्या टाइप्स हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं। यू विल लर्न टू यूज़ करेक्ट बॉडी लैंग्वेज, कि आपको कौन सी करेक्ट बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, कौन सा गेस्चर यूज़ करना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट किस टाइप से होना चाहिए, हैंडशेक्स के बारे में और एक्सेट्रास। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का पार्ट है। तो जैसे या लाइक ये चीज़ें आप देख रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस हैं, पोस्चर हैं, गेस्चर हैं, टच है, स्पेस है, आई कॉन्टेक्ट हैं, पैरा लैंग्वेजेज हैं। ये सब चीज़ें किसका पार्ट है, बेसिकली ऑल द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की। इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशंस इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स। मतलब जो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं हर रोज़ कि ऑब्जर्व भी करते हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि फेस और आर्म्स मूवमेंट एक्सेट्रास, कि हम फेस यूज़ करते हैं या आर्म्स की मूवमेंट करते हैं। एंड वॉइस कंट्रोल, और वॉइस कंट्रोल जैसे वॉइस टोन्स, पॉज एक्सेट्रास, जैसे कई बार हम किसी को भी धमकाते तो आवाज़ हमारी क्या हो जाती है, एकदम तेज़ हो जाती है, तो हमारी जो वॉइस है वो भी ऑब्जर्व करती है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। एंड लेस देन 10% इज डन यूजिंग वर्ड्स, और इसमें 10% से भी कम वर्डिंग का आपको यूज़ करना है नॉन वर्बल में। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स एंड योर साउंड्स। नाउ अब जैसे लाइक ये एक आपके पास एक चार्ट्स दिया गया है, जिसमें आपने देखा कि मोस्टली मतलब मोर देन 50% या 60% जो लोग हैं इन द नॉन वर्बल में क्या यूज होते हैं, एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, पिक्चर्स नॉन वर्बल एंड विजुअल, और वर्ड्स वर्बल में यूज़ होते हैं, और वॉइस कंट्रोल नॉन वर्बल में यूज़ होता है, जिसका जो बेसिकली पार्ट है वो कितना है आपके पास, नियर अबाउट 40% है। तो 55-40 यानी करीब 5-7% पार्ट है जो सिर्फ वर्ड्स में आपका यूज़ किया हुआ है इस चार्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो दैट इज़ द मेथड कि जो किसका एग्जांपल है नॉन वर्बल का। अब कैसे यूज़ होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे फर्स्ट वन जैसे एक आप इमेजेस से हो रही है टेबल 1.4 के अंदर फर्स्ट वन, तो हैंड मूवमेंट, कि आपकी हाथों की मूवमेंट कैसी है, उसको क्या बोलते हैं, गेस्चर। एंड बॉडी लैंग्वेज, रेजिंग ए हैंड टू ग्रीट, जैसे कई बार हम हाथ ऊपर करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं। पॉइंट योर फिगर इन एंगर, अगर आप गुस्से में हैं तो आप अपने क्या करते हैं, उंगली दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हैंड मूवमेंट वो हो गया आपके पास। नेक्स्ट वन आपके एक्सप्रेशंस हैं, जैसे अगर आपका स्माइलिंग फेस है तो आपके एक्सप्रेशन जैसे इमेज फर्स्ट में दिया हुआ है, और अगर आप सैड फेस में हैं तो आपका सेकेंड इमेज के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन है। तो मीन्स हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे फेस मूवमेंट से ही लोग क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमें क्या बात करना चाह रहे हैं। नाउ यूजिंग द राइट गेस्चर एंड पोस्चर हेल्प अस टू प्रोफेशनल्स एट वर्क।
मतलब अगर हम सही तरीके से गेस्चर करेंगे, पोस्चर करेंगे, तो ये हमारे प्रोफेशनली हेल्प करते हैं। यूजिंग द राइट गेस्चर वाइल स्पीकिंग मेक्स अवर मैसेज मोर इफेक्टिव। अगर हम सही तरीके का गेस्चर बनाएंगे वहाँ पे बोलते वक्त, तो इससे हमारा जो मैसेज है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। नोविंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट अवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस का उस कोई भी टॉपिक उसके बारे में रिएक्शन क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, और कम्युनिकेशन उनके अकॉर्डिंगली हम फिर अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। इफ़ वर्बल मैसेज और ब्लॉक्ड बाई नॉइस और डिस्टेंस एक्स्ट्रा, वी कैन यूज़ हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज अवर आइडियाज़। तो हम अगर बंदा दूर है तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, हैंड मूवमेंट से आप किसी भी चीज़ को अपने एक्सप्रेशंस को दे सकते हैं। नाउ अब टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन से अगला पॉइंट है फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे नॉर्मली हम इस टाइप के गेस्चर देखते हैं, फेशियल मूवमेंट देखते हैं, अवर एक्सप्रेशन शो अवर फीलिंग हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एक्सेट्रा। हाउ टू यूज इफेक्टिवली, कैसे यूज करना है, स्माइल व्हेन यू मीट समवन, कीप योर फेस रिलैक्स्ड, मैच योर एक्सप्रेशन विद व्हाट यू आर सेइंग। मतलब आपके एक्सप्रेशन उसी तरीके से मैच होने चाहिए जो आप बातचीत कहना चाहते हैं। नाउ पोस्चर्स, जैसे हम कोई भी पोस्चर को देख के पहचान सकते हैं बंदे को। पोस्चर आर पोजिशन ऑफ द बॉडी, दिस शो अवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। इससे हमें कैसे होता है, हमारी कॉन्फिडेंस कितना हमारे अंदर बोलते वक्त, और हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। कीप अपर बॉडी रिलैक्स्ड एंड शोल्डर स्ट्रेट। अपर बॉडी को क्या रखें इस केस में, रिलैक्स रखें, और शोल्डर को क्या रखें, सीधे रखें। सिट स्ट्रेट, रेस्ट हैंड्स एंड फिट इन रिलैक्स्ड पोजिशन। कीप हैंड बाई योर साइड्स वाइल स्टैंडिंग। जब आप खड़े होते हैं तो आप अपने हाथों को क्या रखेंगे, बिल्कुल साइड में रखेंगे। गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज में नेक्स्ट वन, गेस्चर डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी एस्पेशली हैंड और हेड्स टू एक्सप्रेशन आइडिया और मीनिंग। कि अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे कई बार हम यस करते हैं तो हम अपनी जो गर्दन उसको हिला देते हैं, अगर नो एक्सप्रेशन देना तो भी हम मूवमेंट यूज़ करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, गेस्चर कहलाता है। पॉइंटिंग एंड यूजिंग अवर हैंड्स वाइल स्पीकिंग, अगर हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो अपने हाथ को हम ऊपर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिंग ए हैंड में मीन्स आस्किंग ए क्वेश्चन। अगर हम हाथ ऊपर करते हैं तो इट मीन्स वो क्या पॉइंट हो गया कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बीटिंग नेल्स शो नर्वसनेस। अब पॉइंट क्या, अवॉइड पॉइंटिंग एट पीपल विद योर फिंगर। अवॉइड पॉइंटिंग एट पीपल मतलब लोगों को उंगलियां दिखाना बंद करें, अवॉइड करने की कोशिश करें। बैंड यूर हैड ए लिटल वाइल टॉकिंग और लिसनिंग टू शो दैट यू आर पेइंग अटेंशन। अगर आप किसी को भी आप अटेंशन देते हैं तो आप अपने बार बार अपने हेड को जो है वो थोड़ा मूवमेंट करिए, ताकि लोगों लगे कि आप उसमें क्या दे रहे हैं, कुछ अटेंशन दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टच। वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू अवर टच सच एज शेकिंग हैंड्स एंड पैटिंग ऑन द बैक। जैसे हम किसी भी बंदे से हाथ मिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए फर्म हैंड शेक कॉन्फिडेंस। कि अगर हम किसी भी बंदे से हाथ मिलाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ मिलाएं। स्पोर्ट्स वॉज गिव्स ए पैट ऑन द बैक ऑफ प्लेयर टू अनकवरेज दैम। क्या जैसे आपके पीठ थपथपा दी है कोच ने, तो इट मीन्स वो आपको क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। सेकेंड फॉर्मली अवॉइड अदर टच गेस्चर ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो उसमें चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करें। आई कॉन्टेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। की आई कॉन्टेक्ट प्रॉपरली बनाएं, रिलैक्स रहें। लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, मतलब कौन बंदा बोल रहा है उससे आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। कीप ए रिलैक्स्ड प्लीजेंट लुक। आप क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और आप एक प्लीजेंट लुक में होनी चाहिए, मतलब खुश आपका फेस होना चाहिए। ब्रेक द लुक एवरी फ्यू सेकेंड, हर उसके बाद क्या करें, थोड़ा ब्रेक दें। नेक्स्ट पॉइंट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स हाउ वी स्पीक, कि हम किस तरीके से बोलते हैं। द टोन ऑफ आवर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम कैन मेक ए डिफरेंस इन द मीनिंग वी वॉन्ट टू शो। जो हमारी टोन है जो बोलते वक्त, स्पीड है और जो वॉल्यूम है, मेक ए डिफरेंस इन द मीनिंग वी वॉन्ट टू शो, जो हमें क्या बनाती है, अलग अलग मीनिंग हमारा शो करती है। स्पीकिंग टू फास्ट में शो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट,
और नर्वसनेस, मतलब अगर हम तेज बोलते हैं तो उसके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं कि हम खुश हैं या बहुत एक्साइटेड हैं या नर्वस भी हो सकते हैं। स्पीकिंग टू स्लो में शो सीरियसनेस और सैडनेस, अगर हम बहुत धीमे बोलते हैं तो इट मीन्स हम सीरियसनेस में हैं या हम उदास हैं। देन क्या यूज़ करना चाहिए, यूज़ ए प्रॉपर टोन टू वॉल्यूम वाइल स्पीकिंग। तो एक प्रॉपर टोन का यूज़ करें जब भी आप बोलते हैं। मेंटेन ए मॉडरेट रेट या स्पीड ऑफ टॉकिंग, मतलब जब आप बोलते हैं तो अपनी जो स्पीड है बोलने की वो क्या करके रखें, एक प्रॉपर उसमें होना चाहिए। तो ये जो हमारा पॉइंट था आज का, वो अभी हमने क्या यूज़ किया उसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में। नाउ इसी चैप्टर में अगला जो पॉइंट कवर है वो है विजुअल कम्युनिकेशंस। विजुअल कम्युनिकेशंस मीन्स जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं या कोई इमेज या पिक्चर के थ्रू हम कोई चीज़ समझाते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, विजुअल। जैसे कोई वीडियोज़ के थ्रू कोई मैसेज देना या कोई इमेज के थ्रू मैसेज देना। जैसे देखो, अनदर इम्पोर्टेंस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ विजुअल कम्युनिकेशंस। वाइल इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर, मतलब इसमें जो भी आप मैसेज भेजेंगे वो सिर्फ किसके थ्रू भेजेंगे, इमेजेस के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब इसमें आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इट इज सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेन सेम अक्रॉस डिफरेंट प्लेस। और ये ज़्यादातर जगह पे क्या मिलेंगे आपको, जो फीचर्स हैं वो सेम मिलेंगे। जैसे कि लाइक जैसे कुछ सिंबल्स अगर हम नॉर्मल देखें, जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, या आपके पास जैसे कम्युनिकेशन नॉट ब्लो हॉर्न, जैसे आपको हॉर्न नहीं बजाना, तो नॉर्मल जहाँ भी आप जाओगे, जिस भी आप जैसे कंट्री में ही अगर आप मान लो नॉर्थ में हैं और आप साउथ में चले जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। बट इन द विजुअल कम्युनिकेशन अगर आपको ये मिलते हैं तो इट मीन्स आप इजिली समझ सकते हैं कि यहाँ हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है। दूसरा जैसे ट्रैफिक लाइट है, रेड स्टॉप के लिए, येलो फॉर वेट एंड ग्रीन फॉर गो। आप जैसे टॉयलेट यूज़ करते हैं तो इन द टॉयलेट जैसे हमारे पास जो ऑप्शंस बने हुए हैं जेंट्स और लेडीज़, या इस टाइप के आपके पास साइन बने हुए हैं, साइन शोइंग रेलवे क्रॉसिंग, कि किसके साइन है, बेसिकली रेलवे क्रॉसिंग के साइन है। नाउ साइन फॉर फ्लेमेबल सस्टेंस, साइन फॉर स्लिपरी सरफेस, कि आपको स्लिपरी होने के चांसेज है तो वहाँ पर इस टाइप के, और साइन यूज टू पोज ए वीडियो, अगर आप वीडियो पोज करते हैं इन द स्मार्टफोन तो आपके इस तरह का सिंबल मिलेगा। साइन वाइल कम्युनिकेटिंग दैट एरिया इज नॉट स्मोकिंग जोन, अगर नॉन स्मोकिंग जोन है तो इस टाइप का एरिया आपको मिलेगा इसके अंदर, ये नॉन स्मोकिंग एरिया है, ये वीडियोज पोज का है। तो ये ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में, बल्कि इंडिया से बाहर भी ये चीज़ें आपके पास यूज़ होती हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, उसमें दो चीज़ें हमने कवर अप की हैं, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, और बेसिकली दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो किससे रिगार्डिंग था, कि जिसमें हमने विजुअल कम्युनिकेशंस के बारे में यूज़ किया है। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज़ द चैप्टर नंबर 3।